कि चमड़ा लिंडा में हमें ज्योति बासु का रंग नजर आता है, तो जरूर उनको कुछ नजर आया होगा, तभी बोले होंगे। तो झारखंड में अगर ज्योति बासु के स्टाइल में अगर कोई काम कर रहा है तो वही चमड़ा लिंडा है, ये तो अभी साबित हो चुका है कि सबसे ज्यादा सेक्युलर चेहरा अगर कोई है तो वो चमड़ा लिंडा है। मैं हफीजुर रहमान, सोशल एक्टिविस्ट अपने को मानता हूँ और आदिम जनजाति जो असुर समाज है, एक छोटा सा समुदाय, मेरे मन में उनका उत्थान का सपना है, उसी के लिए काम करता हूँ। हमरा लिंडा इग्नासुस में हॉस्टलर रहा है, वहाँ पढ़ा है, इसकी शिक्षा दीक्षा संत इग्नासुस में हुई है। वो उसके हेडमास्टर होते थे फादर पीटर पॉल बॉनफल, उन्होंने एक संस्था बनाई थी, आज भी काम कर रही है, एराउस। तो मैं एराउस के साथ बहुत काम किया, चूँकि उनकी पर्सनैलिटी से प्रभावित था तो इनका भी विषय आता रहता था। हम लोग के अंतरंग बातचीत में फादर बनफल अपने रूम से हमको चमड़ा के बारे में चर्चा करते थे। तो एक बात बड़ी मज़ेदार कही थी उन्होंने, जो हमें याद है, कि चमड़ा लिंडा में हमें ज्योति बासु का रंग नज़र आता है। ज्योति बासु भी गरीबों के लिए लड़ने वाला नाम जाना जाता है, तो फादर भी विजनरी थे, स्वप्नद्रष्टा थे, तो ज़रूर उनको कुछ नज़र आया होगा, तभी बोले होंगे। तो ये बड़ी ऊंची बात है, इंडियन पॉलिटिक्स में कॉमरेड ज्योति बासु का एक अपना अलग मुकाम है, वो बंगाल में और ये झारखंड है। तो झारखंड में अगर ज्योति बासु के स्टाइल में अगर कोई काम कर रहा है तो वही चमड़ा लिंडा है, ये तो अभी साबित हो चुका है। यस, 20 साल पहले की बात है जब चमड़ा की राजनीति की शुरुआत हुई थी, ये मेरे जानकारी में। अभी जो प्रेजेंट चुनाव है उसमें एक चीज मार्क करना चाहिए कि सबसे ज्यादा सेक्युलर चेहरा अगर कोई है तो वो चमड़ा लिंडा है। ये ना किसी मंदिर में ढेलाबाजी करेगा, ना किसी मस्जिद में, ना किसी सरना में, ना किसी चर्च में। सबसे संभ्रांत चेहरा ये है। तो मैं मुस्लिम होने के नाते ये अपील करूँगा आदिवासी समाज से, दोनों संसार भी मिशन भी, कि इसके हाथों को मजबूत करें, यही आपकी मसीहाई कर पाएगा, ये मेरा स्पष्ट मानना है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।